हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बिना मावा डाले, बिना क्रीम, बिना मिल्क पाउडर, बिना मोल्ड के केवल 1 लीटर दूध में बहुत ही आसान कुल्फ़ी की रेसिपी को बनाएंगे। इस कुल्फ़ी की रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम 3 वाइट या ब्राउन ब्रेड स्लाइस लेंगे। ब्रेड के कॉर्नर्स को काटकर अलग कर देंगे और अब हम ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। ब्रेड को काटने के बाद अब हम इसे ग्राइंडिंग जार में डालेंगे और इसे पीसकर इसका पाउडर बना लेंगे। तो ब्रेड को हमने इस प्रकार से पीस लिया है। अब हम इसे एक बाउल में निकालेंगे और सेम जार में अब हम डालेंगे 10 से 12 काजू, 10 से 12 बादाम, 1/3 कप चीनी। अगर आप मीठा थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप चीनी की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अनुसार बढ़ा भी सकते हैं। 3 से 4 इलायची के दाने, 1 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर। सभी को अच्छे से पीसकर इसका पाउडर बना लेंगे। तो पाउडर हमने इस प्रकार से बना लिया है। इसे भी हम बाउल में निकालेंगे और दोनों को मिक्स कर देंगे। अब हम गैस ऑन करके पैन में 1 टेबल स्पून पानी डालेंगे। पानी डालने से नीचे तले में दूध चिपकेगा नहीं। अब हम इसमें डालेंगे 1 लीटर फुल क्रीम दूध। दूध को हम हाई फ्लेम पर उबाल आने तक वेट करेंगे। दूध में उबाल आने के बाद अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम पर दूध को लगातार इस प्रकार से चलाते हुए 10 से 12 मिनट तक उबाल लेंगे। 10 से 12 मिनट में दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। दूध को हमें लगातार चलाते रहना है और दूध में जो भी मलाई जमेगी उसे हम दूध में ही मिक्स करते जाएंगे। तो 10 से 12 मिनट दूध को हमने उबाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे पाउडर जो हमने बनाकर रखा था और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम दूध को लगातार चलाते हुए 12 से 15 मिनट तक और पकाएंगे, जब तक कि ये अच्छे से गाढ़ा नहीं हो जाता। तो हमें इसे लगातार चलाते रहना है। बिना मावा डाले भी आप ब्रेड से दानेदार कुल्फ़ी घर पर आसानी से बना सकते हैं। तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो 12 से 15 मिनट बाद आप देखेंगे कि कुल्फ़ी का मिश्रण अच्छे से गाढ़ा हो गया है। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे। कुल्फ़ी के मिश्रण को अच्छे से ठंडा होने के बाद अब हम इसे सेट करेंगे। कुल्फ़ी को सेट करने के लिए हम लेंगे छोटे साइज़ वाले पेपर कप और इसमें कुल्फ़ी के मिश्रण को डालेंगे। आपके पास कुल्फ़ी का मोल्ड हो तो आप कुल्फ़ी के मोल्ड में भी कुल्फ़ी को सेट कर सकते हैं। सभी कप में मिश्रण को डालने के बाद अब हम इसे ऊपर से सिल्वर फॉइल से पैक कर देंगे। सभी कप को इसी प्रकार से पैक करेंगे। अगर आपके पास मोल्ड और पेपर कप दोनों नहीं है तो आप कुल्फ़ी को किसी भी एयरटाइट डब्बे में भी सेट कर सकते हैं। सभी कप को पैक करने के बाद अब हम चाकू की सहायता से बीच में छोटा सा कट लगाएंगे और इसमें आइसक्रीम स्टिक को डाल देंगे। इसी प्रकार से सारे कप में स्टिक लगाएंगे। अब हम कुल्फ़ी को 8 से 10 घंटे के लिए या ओवरनाइट फ्रीज़र में सेट होने के लिए रखेंगे। 8 से 10 घंटे बाद कुल्फ़ी अच्छे से सेट हो गई है। अब हम इसे निकालेंगे। पेपर कप को 15 से 20 सेकंड के लिए पानी में डालेंगे और कुल्फ़ी को पेपर कप से निकाल लेंगे। बिना मावा डाले ब्रेड से भी आप बहुत ही आसानी से कुल्फ़ी घर पर बना सकते हैं। तो सारी कुल्फ़ी को हम इसी प्रकार से निकाल लेंगे।
ऊपर से कुल्फ़ी को कटे हुए बादाम से गार्निश करेंगे। तो आप इस आसान सी कुल्फ़ी की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।